जय हिंद बच्चों वेलकम टू द प्री बोर्ड सेशन विद गरिमा बत्रा प्रीबोर्ड इसमें आपके सभी चारों प्री बोर्ड के पेपर्स ग्रामर सेक्शन विद रीजन एंड आंसर्स इजी भाषा में समझाया गया है आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा तो सबसे पहले हम सेट वन का फिल इन द दे ब्लैंक्स देखते हैं पहला क्वेश्चन है सुरेश इज डैश बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट तो यहाँ पर सुरेश लड़का है जिसने की मैरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है तो इसके लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं अ, एन और द। अ का प्रयोग हम करते हैं उन नाउन्स के पहले जो कि सिंगुलर होते हैं काउंटेबल होते हैं और जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं जैसे अ बॉय अ गर्ल एन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नाउंस से जो काउंटेबल होते हैं और जो कि वॉल साउंड से शुरू होते हैं और द का प्रयोग हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किसी भी डेफिनेट नाउन के पहले या किसी भी स्पेसिफिक विशिष्ट नाउन के पहले तो यहाँ पर सुरेश कोई सामान्य लड़का नहीं है सुरेश वह विशिष्ट लड़का है जिसने की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है इसलिए यहां पर आंसर आएगा दूसरा क्वेश्चन है हाउ डैश टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल यहाँ पर टाइम का प्रयोग किया हुआ है और उसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे तीन हैं, मच और एनी तो हम जानते हैं कि टाइम और मनी अनकाउंटेबल है टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते आप घंटे को आवर्स को मिनट्स को सेकंड्स को काउंट कर सकते हो पर टाइम को नहीं काउंट कर सकते बिल्कुल इसी तरीके से आप धन एक धन दो धन उस तरीके से काउंट नहीं कर सकते भले ही आप रुपीस को कॉइंस को काउंट कर सकते हो तो क्योंकि यहाँ पर टाइम है तो इसलिए हम यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल्स के साथ करते हैं और मैनी काउंटेबल्स के साथ तो यहाँ पर यदि रुपीज होता है यहाँ पर यदि आर्स होता तो हम मैनी आर्स आ जाता लेकिन क्योंकि ये टाइम है इसलिए यहाँ पर हम मच का प्रयोग करेंगे तीसरा सेंटेंस इंग्लिश तो यहाँ पर एड टू और इनका प्रयोग है तो इनमें से एक हमें चुनना है और इसका सही आंसर है एक्ट क्योंकि जब भी किसी भाषा की बात होती है और उस भाषा में कुशलता की बात होती है तो तब हम एक्ट का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज यह पैसे वॉइस का सेंटेंस है और हमें पता है कि पैसे वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन इ मैनी कंट्रीज इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इंग्लिश के बाद इज लगा हुआ है तो जब इज एम आर वॉज ये होती है helping verbs तो उनके साथ या तो आई एनजी फॉर्म होता है और या फिर पैसे वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन डैश द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अग थीफ तो यहाँ पे उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है जिसे की तो जिसे की जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया तो उसमें हम हु क्या प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हुम का प्रयोग करेंगे वह व्यक्ति जिसे की तो यहाँ पर ये एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग कर रहे हैं रिलेटिव कंजंक्शन हो गया ये और इसलिए यहां पर हम होम का प्रयोग करेंगे और अब ये प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है

तो इसमें आएगा t h a n then ये हमें हमेशा याद रखना है अब हम सेट 2 के फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं तो इसमें सबसे पहला है he dash my pen in his bag उसने मेरा पेन अपने बैग में अब छुपाया के सेंस में आएगा ये तो he के साथ यदि ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो इसमें हाइड होना था पर ये इसमें s नहीं लगा इसलिए हम हाइड का प्रयोग नहीं करेंगे इसके बाद हिडन का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हैज हैव नहीं लगा हुआ यदि हैज हैव लगा होता तो हम हिडन का प्रयोग करते तो इसलिए हम इसमें पांच सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे hid. अगला प्रश्न है हाउ डैश टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला तुम शिमला कितनी बार घूम के आ चुके हो तो ये जो है हाउ मेनी टाइम्स ये हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करते हैं ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कितनी बार तो इसलिए हम यहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे है। है तो एक और comparative डिग्री में हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जूनियर सीनियर सुपीरियर इंफीरियर ओल्डर यंगर ये जो है ये लेटिन एडवर्ब्स हैं और लेटिन एडवर्ब के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं इन छह इन छह एडजेक्टिव्स के साथ तो यहां पर इसलिए सही आंसर होगा टू नेक्स्ट ब्लैंक है वर्क हार्च लेस यू डैश फेल लेस का अर्थ होता है ताकि ऐसा ना हो या ऐसा ना हो कि तो लेस के साथ हमेशा हमेशा ही शुड का प्रयोग किया जाता है तो वर्क हार्ड लेस यू यू शुड शुड फेल फेल का अर्थ पे हुआ कि मेहनत करो ताकि कहीं तुम फेल ना हो जाओ तो इसलिए हमें याद रखना है कि लेस का और शुड का जो है वो पेयर है और ये एक दूसरे के साथ ही आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट वॉक केयरलेसली डैश यू विल फॉल डाउन इतनी लापरवाही से मत चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे तो यहाँ पर एंड बट और एल्स ये तीनों ही कंजंक्शन हैं। लेकिन एंड का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है जो एक दूसरे के सीक्वेंस में होते हैं या एक दूसरे के जैसे ही होते हैं और बट जो एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंसेस होते हैं और एल्स का प्रयोग हम चेतावनी देने के लिए करते हैं मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ तो इस तरीके से डोंट वॉक केयरलेसली इतनी लापरवाही से मत चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे तो यहाँ पे ये यह वार्निंग है इसलिए हम यहाँ पर एल्स का प्रयोग करेंगे अब नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली हैड द द सीन पुलिस ही अवे ये जो हार्डली है ये एक कंजंक्शन है और इसमें हार्डली के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ होता है जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा नहीं कि वह भाग गया तो इसका आंसर होगा देन अब हम आते हैं सेट नंबर तीन पर और उसका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है मोहन लव्स रीडिंग ही हैज रेड डैश बुक इन द लाइब्रेरी और ऑप्शन में है ईच एवरी और तो सबसे पहले हम मैनी को देखते हैं कि मैनी हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बुक्स नहीं है यदि बुक्स होता तो हम यहाँ पर मैनी का प्रयोग करते अब आता है ईच और एवरी तो ईच और एवरी प्रत्येक के लिए उपयोग होता है लेकिन इन दोनों में एक फर्क है ईच का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम दो या एक किसी कम संख्या में किसी वस्तु की बात करें जो कि काउंटेबल नाउन है जबकि एवरी का प्रयोग हम बहुत बड़ी संख्या में भी कर सकते हैं तो क्योंकि लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं इसलिए हम ईच का प्रयोग नहीं कर सकते यदि दो किताबों की बात होती तो हम ईच का प्रयोग करते लेकिन यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं इसलिए उसमें से इतनी सारी किताबों में से उसने हर एक किताब पढ़ी इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एवरी का अब ये एक प्रश्न है आई डैश हिम फॉर टेन उसे दस सालों से जानता हूं अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है नो इज नोइंग एंड हैव नोन तो इसमें से यदि ये फॉर देखकर हम ये सोचें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में वी तो ये जो हैव नोन है इसमें हैव बीन नोइंग होता तो ये यहाँ पर आ सकता था परंतु ये ऐसा नहीं है इज नोइंग इसलिए नहीं आ सकता कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है फिर बचता है नो तो आई नो हिम फॉर टेन ईयर्स इसके लिए सही उत्तर होगा आई नो हिम फॉर टेन ईयर्स अगला प्रश्न है हिज अंकल डाइड डैश कैंसर तो जब भी किसी बीमारी का नाम आता है तो वहां पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर डाइड डाइड ऑफ ऑफ मलेरिया टाइफॉइड नेक्स्ट है वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए तो इसमें शुड एडवाइस को प्रदर्शित करता है मस्ट ऑब्लिगेशन को प्रदर्शित करता है जहाँ कोई काम करना आवश्यक है जहाँ पे वो की नेसेसरी है और ऑट जो है वो भी सजेशन बताता है तो यहाँ पे क्योंकि टू लिखा हुआ है इसलिए हम इसके साथ ऑट का प्रयोग करेंगे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर एल्डर्स फिफ्थ क्वेश्चन है ही कुड नॉट विन द मैच डैश ही प्लेड वेल वो मैच नहीं जीत सका खालिस्तान वह अच्छा खेला था तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन ऑप्शन इफ एफ और एल्स एल्स यानी होता है नहीं तो या वरना, दो यानी होता है हालांकि या यद्यपि और इफ यानी होता है यदि तो इसमें यदि हम देखें कि वरना वह अच्छा नहीं खेला था ये मैच नहीं कर रहा इफ यदि वह अच्छा नहीं खेला था ये भी मैच नहीं कर रहा तो हालांकि वह अच्छा नहीं खेला था हालांकि वह अच्छा खेला था तो ये कारण है और ये परिणाम है तो यहाँ पर ये कारण और परिणाम वाले जो सेंटेंसेस रहते हैं उसमें हम इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो सबसे सुटेबल कंजंक्शन यहाँ पर है दो तो ही कुड नॉट विन द मैच दो ही प्लेड वेल वह मैच नहीं जीत सका हालांकि वह अच्छा खेला था अब अगला प्रश्न है ही टीचर्स इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और ऑप्शन है अ एन और द तो दौ जो होता है, वो होता है जो कि किसी स्पेसिफिक विशिष्ट को डेफिनेट करने के लिए प्रयुक्त होता है किसी नाउन को एन का प्रयोग हम करते हैं किसी भी ऐसे वर्ड के लिए किसी भी ऐसे नाउन के लिए जो कि सिंगुलर हो जो कि काउंटेबल हो और जो कि किसी वॉल से शुरू होता हो और अ का प्रयोग हम करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो नाउन और सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है अ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हालांकि ये वॉल साउंड से शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साउंड जो है उसका वो कॉन्सोनेंट है इसलिए हम यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे अब अगला प्रश्न है ये सेट फोर से हमने लिया है फर्स्ट है आई डैश सिंग बेटर वेन आई वॉज यंगर तो ये कंपेरिजन है अपनी यंग एज का जो कि पास्ट टाइम में है तो पास्ट में हम किसी भी अबिलिटी या कैपेसिटी किसी क्षमता या योग्यता का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में जब हम करते हैं तो कैन में और पास्ट में उसी का प्रयोग हम कुड में करते हैं तो ये क्योंकि पास्ट का है पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे अगला प्रश्न है He is junior तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर यंगर एल्डर इनके लिए ये लेटिन के एडवर्ब्स हैं और इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए सही उत्तर आपका होगा टू ही इज जूनियर टू यू अब ये एक क्वेश्चन है दे हैव हार्डली डैश नॉलेज ऑफ इंग्लिश हार्डली जो है इसका ये नेगेटिव सेंस देता है हार्डली स्ली तो जब भी हमें पता है कि हम नेगेटिव वाक्य में प्रयोग करते हैं किसी डिटर्मिनर का या फिर हम करते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव में तो तब वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं इसलिए यहाँ पर आंसर होगा एनी दे है हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेक्स्ट है आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया खाया है तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और यहाँ पर सिंस भी दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग सुबह से तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रियट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है haven't eaten. I haven't eaten since morning. Fifth question है वेयर इज डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे और इसमें ऑप्शन है अ एन और द तो यहाँ पे ये एक डेफिनेट बुक है वो वाली बुक जो कि मैंने तुम्हें कल दी थी मतलब कोई भी बुक नहीं है यदि कोई भी एक बुक होती तो हम उसमें अ का प्रयोग करते लेकिन एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है बुक जो नाउन है ये और द इसलिए यूज होगा यहाँ क्योंकि ये एक डेफिनेट बुक है एक निश्चित स्पेसिफिक बुक है तो जहां भी कोई स्पेसिफिक नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं बुक आई गेव यू प्रश्न फिर से कारण और परिणाम का है डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया तो ऐसून एस का प्रयोग हम करते हैं जैसे ही तो ये उन दो घटनाओं को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक घटना के होते ही दूसरी घटना शुरू हो जाती है और इफ का प्रयोग हम करते हैं जब भी हम कोई कंडीशन बताते हैं कि यदि ऐसा हुआ तब ऐसा होगा तो ये और और तो कंडीशनल प्रयोग यहाँ इसलिए उपयुक्त है क्योंकि रीजन एंड कॉन्सिक्वेंस कारण और उसका परिणाम बताने वाले वाक्यों में हम दव का प्रयोग करते हैं कि हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वह परिणाम उसका यह हुआ कि वो फेल हो गया तो इसका आंसर क्या होगा दो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा आपने कारणों को समझा है इस वीडियो में अब यह भी हो सकता है कि आपको ऑप्शंस तो यही मिले लेकिन वाक्य कोई दूसरे दिए जाए यदि आपको उसका कारण या उसके पीछे का लॉजिक सही पता है तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी सही लिख सकते हैं इसके अलावा ये जो चार सेट आए हैं इनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर याद करने में बच्चों को दिक्कत जाती है तो मैंने उन बच्चों के लिए ताकि वो इन उत्तरों को अच्छे से याद कर सकें एक-एक लाइन के बहुत ही आसान भाषा में भी आंसर तैयार किए हैं इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो आएगा तो आप उस वीडियो से अपने प्रश्न उत्तर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं इसके अलावा लेटर्स के एप्लीकेशंस के नोटिस मेकिंग के नोट राइटिंग के और बाकी पैराग्राफ राइटिंग के भी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।